नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति शर्मा, कुक विद श्रुति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नमकीन चंद्रकला बनाना बताऊंगी। आइए जानते हैं इसकी सामग्री। ये 150 ग्राम के लगभग मैंने मैदा लिया है। ये 3 आलू है उबले हुए, जिसे मैंने उबाल के छील के मैश कर लिया है। ये मसाले हैं, नमक, ये अजवाइन है, और ये अदरक मैंने घस लिया धो के, लाल मिर्च पाउडर, ये खड़ा धनिया था जिसे मैंने क्रश कर लिया है, और ये चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया की पत्ती जिसे मैंने धो के काट लिया है, ये जीरा है, और ये कसूरी मेथी और चुटकी भर हींग। तो आइए हम बनाते हैं नमकीन चंद्रकला। ये देखिए, अब बाउल में मैं मैदा गूंथ लेती हूँ। मैं इसमें मैदा डालूंगी, नमक मैं स्वाद के अनुसार डालूंगी, और ये अजवाइन है आधी छोटी चम्मच, मैं इसमें ये डाल दूंगी। मैं इसे मिला के इसमें मोयन डालूंगी। मोयन मैं 1.5 बड़ी चम्मच डालूंगी, और मैं इसे मिला लूंगी। ये देखिए, मैंने मैदा में मोयन अच्छी तरह से मिला लिया है, और मैं धीरे धीरे पानी डाल के इसका, हमें टाइट आटा गूंथना है, जैसे हमें समोसे का रहता है, एकदम पतला नहीं होना चाहिए आटा, मुलायम, रोटी से थोड़ा सा टाइट आटा होना चाहिए। ये देखिए, मैंने आटा गूंथ लिया है, अब मैं इसे 4 से 5 मिनट रख देती हूँ, तब तक मैं मसाला बना लेती हूँ। मैंने पैन चढ़ा दिया है, अब मैं इसके मसाला तैयार करूँगी चंद्रकला का। मैं 1 चम्मच छोटी के लगभग तेल डालूँगी। मैंने ये चम्मच के लगभग तेल लिया है, और मैं इसे गरम होने दूंगी। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा जो आधा छोटी चम्मच है मैं डालूंगी, और कसूरी मेथी 1 चम्मच है मैं डालूंगी, और चुटकी भर हींग मैं इसमें डाल दूंगी, अदरक, ऐसे मिला दूंगी, क्रश धनिया जो 2.5 छोटी चम्मच है मैंने डाल दिया है, मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। हमें गैस की आंच एकदम धीमी रखनी है। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच के लगभग गरम मसाला, चाट मसाला भी मुझे छोटी चम्मच 1.5 चम्मच डालना है, लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। मैंने तेल में मसाला डाला है, क्योंकि ये तेल में भूनने से इसका फ्लेवर कुछ अलग ही आता है। अब मैं इसमें आलू डाल के मिला लूंगी। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया
खुशबू आ रही है मसाले की। अब मैं इसमें धनिया पत्ती मिला देती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिला के ठंडा कर लेती हूँ स्टफिंग करने के लिए। देखिए मैंने मसाला ठंडा करके बाउल में डाल लिया है और मैंने कढ़ाई पे तेल भी चढ़ा दिया है। जब तक तेल गर्म होता है आइए हम नमकीन चंद्रकला बनाते हैं। हमें दो साइज की आटे की लोई तोड़नी है। ये देखिए एक साइज मैंने ये छोटी ली है, मैं इसे रख देती हूँ और एक मुझे थोड़ी उससे बड़ी लेनी है जितनी हम लगभग पूड़ी बनाते हैं। ये देखिए मैंने आटे की 5 गोली बड़ी बनाई है और 5 मैंने छोटी बनाई है। आइए अब हम चंद्रकला नमकीन चंद्रकला बनाते हैं। सबसे पहले मैंने बड़ी वाली लोई ली है, उसे मैं पूड़ी के जैसे बेल लेती हूँ। ये छोटी वाली है, मुझे इससे छोटा इसे बेलना है। ये देखिए ऐसे, ये बड़ा और ये छोटा, ऐसे मैं सब बेल लेती हूँ। आइए ये देखिए मैंने पूरा बेल लिया है, ये बड़ा है ये इससे छोटा है। अब मैं इसकी स्टफिंग करती हूँ। जो बड़ा वाला है मैंने हाथ में लिया है, इसके बीच में मुझे जो मैंने आलू का मसाला बनाया था वो रखना है बीचों बीच। जो मैंने छोटी वाली पूड़ी बेली थी मुझे ऐसे इस पर कवर करना है। उसके पहले मैं आलू के चारों ओर पानी लगा लूँगी एकदम गोलाई में। अब मैं इसे आलू कवर कर दूँगी इस पूड़ी से और मैं देखिए ऐसे ऐसे मुझे पूरे आलू को कवर कर देना है एकदम दिखे ना। ये देखिए ये देखिए ये मैंने कवर कर दिया है, ऐसे मुझे कवर कर देना है। और फिर जैसे हम गुजिया मोड़ते हैं ऐसे मुझे सील कर देना है इसे कि ये खुले ना। ये देखिए ये देखिए ऐसे ऐसे मैं बाकी के बना लेती हूँ। ये मैंने ये पूरी चंद्रकला बना ली है, तेल भी मेरा गर्म हो चुका है और मैं इसमें इसे एक एक करके डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए। ये देखिए इधर से हमारी चंद्रकला हो गई है, मैं इसे पलट देती हूँ। मैं इसे धीमी धीमी ही आँच पे फ्राई कर रही हूँ, ये तेज आंच पे जल भी जाएगी और अंदर से पूरी पकेगी नहीं, ये धीमी ही आंच पे एकदम क्रिस्पी पकेगी। हमें समोसा ही जैसे इसे पकाना है। ये देखिए ये चंद्रकला हो चुका है दोनों तरफ से, मैंने एकदम धीमी आंच पे इसे पकाया था। कम से कम इसमें हमें समय 10 मिनट लगा है पकने में। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक एक करके।
ये देखिए नमकीन चंद्रकला तैयार है, मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। तो आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।